स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अपन ने नाइन्थ में पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, उसका फॉर्मेट आपको याद होगा, जनरल फॉर्म था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल्स एंड ए बी एंड सी आर द कॉन्स्टेंट। याद आ गया, नाइन्थ क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सिस्टम पढ़ा था, उसमें था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये एक जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, है ना। अब टेंथ में भी उसी को हम थोड़ा हायर वर्जन में पढ़ते हैं और उसको उसका एडवांस वर्जन या उसका इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ते हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज नाउ वी आर नॉट हैविंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बट वी आर हैविंग A pair of linear equation and two variables. A pair, एक ऐसा pair जो linear equation and two variables पे हो, ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ? हमें अगर ध्यान से देखें तो last year हमें समझाया जा रहा था, जैसे एक example लेते हैं, चलो, there are two friends and together they have spent 100 rupees. Suppose there are two friends and together they have spent 100 rupees. X is the amount spent by the first person, Y is the amount spent by the second person, and together they have spent 100 rupees. Suppose. So, हमने उसको linear equation जो variables के form में अगर represent करना है, तो हम represent कर सकते हैं X plus Y is equal to 100. Now, very simply we can say what is X, the contribution by the first person, what is Y, the contribution by the second person, right? So, X plus Y is equal to 100. What is X? The contribution by the first person. Okay. So, we can have infinite number of solutions here. We can have infinite number of solutions to this equation. Right? मान लेते हैं X और Y के set of solutions कहते हैं, इसको हम set of solutions कहते थे 9th class में, है ना? तो हम set of solutions की बात करते हैं. Pair, ordered pair या pair of solutions which can satisfy this equation. For which the equation will be true? Solution वही तो होता है ना, जिसके लिए equation जो है वो true होती है, यानी कि x plus y दो ऐसी values जिनका addition 100 हो. चलो, अगर first friend ने 80 rupees spend किए होंगे, तो second ने 20 किए होंगे, क्योंकि 20 plus 80 is equal to 100, तो सही है, ना? इसका answer ये भी हो सकता है कि ये 20 खर्च करे और भी वो 80. या हो सकता था 40 इसने खर्च किए और इसने 60, या इसने 50-50 दोनों ने 50-50 रुपए खर्च किए हो, या एक बहुत ही कंजूस हो, उसने जीरो कंट्रीब्यूशन, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं ना हो, और सेकंड वाले ने मान लिया 100 कंट्रीब्यूट किया, एंड सो ऑन. सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी हैव? इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, करेक्ट. सो अ लीनियर इक्वेशन, ध्यान रखिएगा क्या बोला जा रहा है, अ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो दो वेरिएबल में हो, हैज इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफिनिट सॉल्यूशन, करेक्ट, सही बात है ना. नाउ कैन बी जंप इनटू द कंक्लूजन इन एनी केस कि एक्स ने यही खर्च किया होगा, वाई ने यही खर्च किया होगा, ऐसा इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता. नहीं, हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें दो वेरिएबल्स दिए गए हैं और हमें एक इक्वेशन या एक इंफॉर्मेशन दी गई है. सो वी कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यूज एप्रोप्रिएट एंड एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन फ्रॉम वन इक्वेशन ऑनली. वी नीड वन अनदर इंफॉर्मेशन, वन मोर इंफॉर्मेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सपोज ही सेज द अमाउंट स्पेंड बाय द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट स्पेंड बाय दीज टू इज 20 रुपीज. Suppose it says the difference of the amounts spent by these two friends is 20 rupees. Suppose I say, मान लेते हैं ना क्या दिए हुए हैं? एक और information दी हुई है. क्या दी हुई है? कि दोनों का जो difference है, दोनों ने जो amount spend करी, उनका जो difference है, वो 20 rupees है. Now it will be known as a system of pair of linear equation. We will call it as a system. सिस्टम एक ही स्टोरी है जिसके दोनों ही एस्पेक्ट हमें बताए जा रहे हैं. और हमसे अब कहा जा रहा है, क्या आप अब एक एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं?
क्या आप एक एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं, तो हम ऑफ कोर्स उसको बोलेंगे कि बिल्कुल हम बता सकते हैं, अब हमें मालूम है पक्का x ने 60 रुपीज स्पेंड किए होंगे और y ने पक्का 40 रुपीज ही स्पेंड किए होंगे और इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है। चेक कीजिए जरा, बता से x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 कितने आंसर्स, इनफाइनाइट। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 कितने आंसर्स, अगेन इनफाइनाइट। कितने ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका डिफरेंस 20 हो, हजारों लाख करोड़ इंफिनिट। लेकिन जब हम ये कहें कि एक सिस्टम है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स है, एक पेयर है जो लीनियर इक्वेशन का है और टू वेरिएबल्स में है, तो अब बताओ कि x और y की वैल्यू क्या है। तो हम उसको आराम से बता सकते हैं कि x 60 ही होगा, y 40 ही होगा और 60 और 40 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। चेक कीजिए, सही ना, राइट। तो हमें कंक्लूशन कब मिला, हमें आंसर या सॉल्यूशन कब मिला, जब वी हैव बीन प्रोवाइडेड अ सिस्टम। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास में दो इक्वेशन होनी चाहिए, अगर लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास में थ्री इक्वेशन होनी चाहिए, अगर लीनियर इक्वेशन इन फोर वेरिएबल्स हो तो हमारे पास में फोर वेरिएबल्स इक्वेशन भी होनी चाहिए, तब कि हमें एक्स वाई जेड और की वैल्यू मिले, है ना। तो हमें ये कहा जा रहा है अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, a linear equation in one variable needs one equation only to find out the value of x. System एक simple होता है, linear equation in one variable, पिछले सालों में पढ़ा हुआ है, variable on one side, constants on another side, a simple formula, a simple approach. Then let's move to the higher end, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अपने कहा linear equation two variables, तो linear equation अगर two variables में है तो हमें क्या चाहिए, बिल्कुल हमें दो इक्वेशन चाहिए। अगर वो लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स कहे कि जी ये तो लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि हमें फिर थ्री इक्वेशन भी दे। अगर वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी है, अगर वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी है इज इक्वल टू जीरो, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड थ्री वेरिएबल्स है, तो हम उसे कहेंगे कि भैया फिर थ्री इक्वेशन भी तो प्रोवाइड कर, तो हम एक्स की वैल्यू भी बताएंगे, y की वैल्यू भी बताएंगे और z की वैल्यू भी बता पाएंगे, x, y और z वहां पे वेरिएबल्स होते हैं। इन शॉर्ट हमें ये कहा जा रहा है कि a linear equation in two variables has infinite number of solution, but when a system is been given to us, a pair of linear equation is given to us, we can find out its value. हम x और y यानी वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब हम x और y की वैल्यूज भी नहीं निकाल पाते, बात करेंगे इस चैप्टर में आगे, ठीक है। तो अगर आपको ये 100 वाला सिस्टम समझ में आया है तो बहुत आसानी से समझ में आएगा आगे भी कि ये बहुत ही इजी है। इसका जैसे मैंने आपको कहा था, आज वार्म अप क्लास दे रहा हूं, मेरा आज कुछ भी लिखवाने का या कुछ भी बहुत ज्यादा भारी चीज समझाने का मूड नहीं है। आप भी बहुत छुट्टियों के बाद में आज क्लास में आए हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि एक छोटा सा सिस्टम सॉल्व करने का तरीका होता है। हालांकि शायद आपने पॉलिनोमियल चैप्टर 9 क्लास में ये किया हो, अगर आपने आर डी शर्मा वगैरह कुछ एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक करी हो सॉल्व, तो उसको कहते हैं हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड। इस मेथड को कहते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड, इससे एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे सपोज अपने को कोई कहे कि 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है एक इक्वेशन, तो हमारा सबसे पहला आंसर होगा दैट वी कैन हैव इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यूज के पेयर्स के हमारे पास इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। उसने कहा नहीं, एक और इंफॉर्मेशन देता हूं आपको, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि 3x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 भी है, और इसको अभी हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना यानी एक परफेक्ट वैल्यूज निकालना x और y की। Now this is known as system of equations. Simultaneous equations भी कहते हैं इनको, ठीक है। मैं आज आपको मजे मजे में एक मेथड दबा रहा हूँ, जिस मेथड को कहते हैं कंपेयरिंग द कोफिशियंट मेथड, इसको कहा जाता है कंपेयरिंग द कोफिशियंट मेथड, ठीक है। इसको इलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, जिसमें x या y में से किसी को एक को इलिमिनेट करना होता है। चलो
तो वापस कोई बात मजे मजे में करा रहा हूं, चाह रहा हूं कि आप इसको समझें। एलिमिनेशन मेथड एज एन इमीडिएट और कंपैरिजन कोएफिशिएंट मेथड एज एन इमीडिएट, हम एक्स या वाई में से किसी भी एक के वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। कैसे? अगर एक्स के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना चाहें या फिर वाई के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना चाहें कर लें, तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे सपोज हम एक्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो एलिमिनेट कब होंगे? जब दोनों का एलसीएम ले लिया जाएगा, द एलसीएम ऑफ टू एंड थ्री इज सिक्स। तो क्या करें कि दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएं? कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मेथड एज एन इमीडिएट, तो वी आर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स। तो फर्स्ट इक्वेशन को मान लेते हैं थ्री से इक्वेशन थ्री को से मल्टीप्लाई करें और सेकंड इक्वेशन को टू से। हमारे पास में इनफिनिट ऐसे नंबर है जिनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों बराबर जाएंगे, लेकिन व्हाट वी आर डूइंग इज एलसीएम, वी आर टेकिंग द एलसीएम, तो छोटे से छोटा नंबर हो जिसको हम मल्टीप्लाई करें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से और वो इक्वल हो जाए। ठीक है बेटो, चलो तो आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड इक्वेशन को टू से। क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी सिक्स एक्स माइनस फोर वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। चेक कीजिए, मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय थ्री एंड मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय टू। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। साहिल कुछ प्रॉब्लम आई है, साहिल को पूछते हैं। एक साथ हिमांशु शर्मा से बात करवाइएगा। हेलो साहिल, हेलो क्या हुआ, नहीं हो पा रही बात? चलिए छोड़िए, हिमांशु शर्मा सर देखिए बस। हिमांशु? यस सर। आप ठीक है बेटा? यस सर ठीक हूँ। आप तो ठीक है, क्लास की क्लैरिटी वगैरह ब्लैक बोर्ड वगैरह सब सही से दिख रहा है? सर सही से दिख रहा है। आप ठीक है? आपको स्लैग वगैरह नहीं आ रहा उसमें वीडियो में? कुछ नहीं आ रहा सर, एकदम सही से दिख रहा है। ठीक है बेटा, वो उस समय कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, है ना? ठीक है, थैंक यू। ओके सर। ओके बेटा, Anybody else? मेरे को एक दो स्टूडेंट्स के फोन आ गए थे, one of was of sales and one of offline, and they say that they are having some problem, technical problem, maybe the issue of signals and all. इसलिए मैं आज क्लास में नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ, बहुत easily मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, right? और आज आप पेन पेपर लेके ना बैठे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आपसे मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आप में से किसी को अगर सिग्नल की प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो आज की शिकायत कर दीजिए, बता दीजिए, हमें फीडबैक दे दीजिए ताकि हमें बाद में कल से कोई प्रॉब्लम ना आए। यस साहिल, क्या कह रहे बेटे? साहिल बोलो बेटा, अनम्यूट हो चुके हो आप, बोलो। हेलो हेलो, नहीं मुझे लगता है कि उसको कोई और भी प्रॉब्लम है। सर साहिल वैसे अपना स्टूडेंट है क्या? टेंथ क्लास में, तो म्यूट कर दीजिएगा अपनी। चलिए बात करते हैं, वापस से रिज्यूम करते हैं अपन। हाँ जी, सो व्हाट वी हैव डन इज वी आर इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट और वी आर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इसको हम ये भी कह सकते हैं बाय इलिमिनेटिंग एक्स। एक्स को इलिमिनेट करने का मतलब है दोनों में एक्स को इक्वल करना। अब देखिए, ये भी सिक्स एक्स की इक्वेशन और ये भी सिक्स एक्स की इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन में से मैं सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या होगा? वी विल गेट रिड ऑफ दिस सिक्स एक्स, एक्स हट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स, ये हो जाएगा प्लस का फोर वाई माइनस का फोर इक्वल टू जीरो। सिक्स एक्स और माइनस सिक्स एक्स विल रिड्यूस टू जीरो। नाइन प्लस फोर दैट मीन्स 13 वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज माइनस थ्री माइनस फोर इज माइनस सेवन। सो व्हाट इज वाई इक्वल टू? वाई इक्वल टू सेवन अपॉन 13। सिंपल, वेरिएबल क्या हो गया? वन, और वन वेरिएबल की इक्वेशन हमें सॉल्व करनी आती है, वेरिएबल ऑन वन साइड एंड कॉन्स्टेंट ऑन
अनदर साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसी था, एक बार फिर समझाता हूँ, चलो एक बार फिर से चलते हैं। राइट, सपोज वी वॉन्ट टू इलिमिनेट वाई इन दिस सिस्टम, आई जस्ट वॉन्ट टू इलिमिनेट वाई इन दिस सिस्टम। एक वाई फर्स्ट इक्वेशन का जो है उसका कोफिशियंट है 3, दूसरा वाई उसका कोफिशियंट है -2, ऐसा क्या किया जाए कि वाई इलिमिनेट हो जाए। ठीक है, एलसीएम दे देते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा छोटा से छोटा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से दोनों बराबर हो जाए। आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया, दोनों 6 हो जाएंगे, 6y, दूसरा वाला भी 6y, रिगार्डलेस ऑफ साइन। अभी मैं साइन नहीं देख रहा, मैं सामने वाले फर्स्ट वाले इक्वेशन को -2 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं 2 से ही कर रहा हूँ, मान उसके एक बार इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने फर्स्ट में 4x + 6y - 2 = 0 एंड द सेकंड इक्वेशन विल बी 9x - 6y + 6 = 0। चेक कीजिए आपके y के कोफिशिएंट जो है, y जो वेरिएबल है उसके जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वल हो गए हैं, है ना। अब लास्ट टाइम तो हमने प्लस किया, सब्ट्रैक्ट किया था, लेकिन दिस टाइम डू वी नीड टू रिड्यूस दिस इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन और सिंपली वी कैन एड। चेक करिए कि y कैसे जनरेट होगा, प्लस करने से या माइनस करने से। बिल्कुल प्लस करने से, माइनस करने से तो ये हो जाएगा -9x, ये हो जाएगा +6y, और 6y + 6y तो 12y हो जाएगा। तो अब की बार हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, हमें प्लस कर देना चाहिए सिस्टम को। तो हमने सबसे पहले आप सब सीखा x के कोएफिशिएंट्स को या y के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना, या तो x के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, या y के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर देते हैं। राइट, फिर दूसरी चीज हमने सीखी, उस सिस्टम को जो नया सिस्टम बना है उसको हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। इसमें तो एडिशन से काम चलेगा, एडिशन में तो साइन चेंज होते ही नहीं, तो ये तो हो गया कैंसिल, 6y - 6y = 13x + 4 = 0। सो व्हाट इज x = -4/13। चेक कीजिएगा आपको ये बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, चलो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आके ही देखना चाहता था, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं, व्हाइट तो, ये जो ग्रीन बोर्ड है, इनफैक्ट आई शुड से ग्रीन बोर्ड है, ये आपको अच्छी तरह से विजिबल है या नहीं, और ऑफकोर्स इतने दिनों बाद आप पढ़ने के मूड में आए हैं या नहीं। ठीक है, आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं, चलिए कोशिश करते हैं। एक इक्वेशन और मैं देता हूँ आपको, जरा पेन पेपर नहीं भी होना तो चलेगा, आज के दिन चलेगा। चलो कोशिश करते हैं जरा समझने की, हमारे पास में सपोज ये सिस्टम दिया हुआ हो तो हमें कितनी बात समझ आई है, इस सिस्टम को सॉल्व करना है और हम लगा रहे हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड और वी कैन से इलिमिनेशन मेथड। कुछ ऐसा किया जाए जिससे एक्स इलिमिनेट हो जाए, मान लेते हैं हम एक्स इलिमिनेट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा किया जाए जिससे एक्स इलिमिनेट हो जाए। तो दोनों के दोनों इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट इक्वल होना चाहिए। एक्स का कोफिशियंट इक्वल करने के लिए सेकेंड इक्वेशन को केवल 4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, फर्स्ट इक्वेशन को तो कुछ करना ही नहीं है, इस फर्स्ट इक्वेशन को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सेकेंड इक्वेशन को केवल 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके कोफिशियंट बराबर हो जाएंगे। जस्टिफाइड हो रहा है ना, कंपेयरिंग द कोफिशियंट मेथड, है ना, ये जाएगा 4x - 3y + 1 = 0, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में अपने किसी से मल्टीप्लाई किया ही नहीं, कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं, सेकेंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4x + 8y - 4 = 0। पहली बात समझ में आ गई बच्चे, क्योंकि देखिए इस चैप्टर में हम 90% क्वेश्चंस में यही मेथड अपनाएंगे, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो हमारे पास में कोई और प्रॉब्लम्स हो, जब तक हमें नहीं बोला जाएगा कि ग्राफिकल मेथड से करना है या किसी और मेथड से, हमें यही मेथड ही अपनाना है। ठीक है, सही ना बेटा, चलो यस
अपेक्षा गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटे. सर इसमें एक्स को एलिमिनेट करें या फिर वाई को एलिमिनेट करें, एक ही बात है ना? हमारी एक ही हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी होती है बेटा. लेकिन कई बार क्वेश्चन बुक में या सॉरी एग्जाम में ऐसे आता है कि सॉल्व द सिस्टम फॉलोइंग सिस्टम एलिमिनेटिंग एक्स, ठीक है, या सॉल्व द गिवन सिस्टम बाय एलिमिनेटिंग वाई. तो हम एक्स को एलिमिनेट करें या वाई को, तब हम बाउंड हो जाते हैं कि हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा बोला है. लेकिन प्रेजेंटली आप केवल सीख रहे हैं कि कैसे एलिमिनेट करते हैं, तो मैंने एक्स के पीछे पढ़ाऊ जिसे कहते हैं, फिर मैं वाई के पीछे पढ़ूंगा समझाने के लिए, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच सर. ठीक है ना बेटा? हाँ जी, ओके. तो अभी हम एक्स को लिमिट कर रहे हैं. पहली बात एक्स क्वेश्चन को कंपेयर किया, एक्स को लिमिट कर दिया. अब इस बात को समझिए कि ये जो नया सिस्टम बन गया है, इसमें दोनों में एक्स के क्वेश्चन इक्वल हो गए. अब इन इक्वल क्वेश्चन को हटाने के लिए, इलिमिनेट करने के लिए, जस्टिफाइंग द नेम ऑफ द मेथड, इलिमिनेट करना है एक्स को. क्या करें, प्लस को इस क्वेश्चन को प्लस कर दें या माइनस कर दें? मेरे को लग रहा है आप आवाज आपके दिल से आ रही होगी कि इसको माइनस करते हैं, क्योंकि अगर प्लस कर दिया तो 4x plus 4x will become 8x. We will not get rid of this h. What we want is we want to get rid of this x. X को हटाना चाहते हैं, eliminate करना चाहते हैं x को, तो हम माइनस कर देते हैं. माइनस 4x minus 8y plus 4 equals to 0. Subtracting the second equation from first equation. I am calling this equation as second. Second equation from first equation. 4x minus 4x will reduce to 0. Minus 11y plus 5 is equals to 0. Check कीजिए. Simple है ना? 1 plus 4 is 5. क्या समझाऊँ? Minus 3 minus 4 is sorry minus 3 minus 8 is minus 11. So what is y equals to? Y is equals to minus 5 upon minus 11, or we can say 5 upon 11. क्या किया अपने? We have eliminated the x and we have taken out the value of x. And we have taken out the value of x. Sorry, y. By eliminating x, we have taken out the value of y. ठीक है? चलो. अब अगर हमें y को eliminate करना होता, तो अगर इस सिस्टम में हमें y को eliminate करना होता, तो चेक कीजिए ऐसा क्या करें जिससे y के coefficient equal हो जाए. 2 और 3 दो कोफिशियंट्स हैं, ऐसा कुछ जिससे कोफिशियंट इक्वल हो जाए. तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और 3, सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. और मल्टीप्लाई का मतलब हमें मालूम है, मल्टीप्लाई का होल इक्वेशन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड बैलेंस करिएगा, है ना? मल्टीप्लाई करना है तो पूरी इक्वेशन को, राइट? कपिल दहल वांट्स टू आस्क समथिंग. यस कपिल, वेलकम टू द क्लास. आते ही पक्ष आते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है. यस कपिल, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग कपिल. सर मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, इसका बता रहा था मैं. ओके बेटा, कल से पूछूंगा बेटा मैं आपसे वैल्यू, ठीक है? कल से मैं थोड़ा सा, आज मैं मजे ले रहा हूँ क्लास में, सच्ची बताऊँ तो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं जैसे दो फोन आए, एक नाइन्थ में आया एक टेंथ में आ गया कि प्रॉब्लम हो रही है सिग्नल की, तो मुझे लगा कि मुझे पहले आज कुछ वैल्यूबल या कुछ अच्छा ना पढ़ा करके थोड़ा सा इजी मैनर में लेना चाहिए क्लास को, ताकि सब कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद में कल से अपन थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा? चलो. हाँ जी, तो हमने y को एलिमिनेट करना है, इसलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया. ये हो जाएगा 8x minus 6y plus 2 is equal to 0, और दूसरा 3x plus 6y minus 3 is equal to 0. चेक कीजिए आपने क्या किया, आपने एक ऐसा मिनिमम फैक्टर नंबर ढूंढा जिससे एलसीएम हो जाए, यानी दोनों का एलसीएम आ जाए, वाई के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए. तो फर्स्ट इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई, सेकंड इक्वेशन को किया आपने 3 से मल्टीप्लाई, और आपके वाई के कोएफिशिएंट हो गए इक्वल. पहली बात. अब दूसरी बात, क्या करें सिस्टम को, जो नया सिस्टम बना उसको प्लस या माइनस?
प्लस कर दिया तो 6y-6y कट जाएगा, और माइनस कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए अच्छा है कि हम इसको प्लस ही कर दें। सिंपल अंडरस्टैंडिंग। तो हमने प्लस किया तो ये तो 11x हो गया और ये -1=0। सो व्हाट इज x=1/11। ठीक है, इसे हम कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मेथड कहते हैं, इसे हम एलिमिनेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। और इस चैप्टर में हम जब भी सॉल्व करने की बात होती है तो 90% क्वेश्चंस जो है वो इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम समझ चुके हैं तो ऑफकोर्स इस चैप्टर में हम यूज करेंगे, है ना। इफ समबडी वॉन्ट्स टू आस्क समथिंग, अगर आपकी कोई भी ऑडियो विजुअल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ कोई सजेशन या कोई एक्सपीरियंस आप अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज रेज योर हैंड। एनीबॉडी? यस सुमित, रीनेम योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। सुमित हमारे पास में दो हैं क्लास में, सुमित आप कौन से वाले सुमित हो? पूरा नाम लिखें बेटा, बार बार क्यों ऐसे बोलना पड़ता है आपको? आपका जो ऑफिशियल नेम हो ना वो कंप्लीट लिखा करो आप। ठीक है, हेलो सर। सर हाँ जी बेटा। सर ये मेरे दो, सर ये मेरे दो आईडी है सर। तुम्हारी दो आईडी है? हाँ सर, एक तो सर वो कंप्यूटर में चल रही है सर। कोई बात नहीं, नेम तो सही करो ना बेटा। सुमित नवल है ना आपका नाम, या क्या नाम है आपका, पूरा नाम क्या है? खत्री सर, सुमित खत्री। सुमित खत्री हो आप, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग इट टू एवरीबॉडी, प्लीज टाइप योर कंप्लीट नेम राइट, बिकॉज हम पूरी क्लास कर रहे हैं ना बेटा, 10 क्लास, तो एक साथ जब आते हैं तो सबके सरनेम वगैरह हमें अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। अब ये शरद जो आ रहा है, अब देखो आप अपनी पता नहीं उंगलियों में नेल पेंट लगा रहे हैं या क्या कर रहा है, लेकिन अपनी वीडियो जरूर ऑन करेगा सबको दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मत किया करो, बीच बीच में बड़ा अजीब सा लगता है ये क्लास में। यू आर मैच्योर इनफ नाउ राइट। चलिए गुड लक बेटा, फ्रॉम टुमारो विद अस, स्टार्ट विद अ चैप्टर इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, थैंक यू।